द्वारकामां आप पार्टीनी विशाळ जनसभा योजाई हती, जेमां आपना संयोजक अरविंद केजरीवाल, ईसुदन गढ़वी, गोपाल इटालिया सहितना नेताओ उपस्थित रह्या हता। द्वारकामां मानो मेहरामण उमट्यो होय तेम हजारोनी संख्यामां अरविंद केजरीवालनी जनसभामां लोको उमटी पड्या हता। आ जनसभामां केजरीवाल द्वारा खेडूतो माटे महत्वनी गेरंटी जाहेर करवामां आवी हती, त्यारे समग्र गुजरातमां सभामां केजरीवाल शुं जाहेरात करशे तेना लीधे भारे ઉત્કટા હતી। केजरीवाल पोरबंदर थी द्वारका आवी पहुंचा था, जहां आश्रे 25,000 थी वधु लोको आ सभा में उमटी पड़ा था। द्वारका में सभा मंडप में बसवानी जगह न मरता लोकोए तड़का में उभा रही सभा में केजरीवाल ने सांभळवा पहुंचा था। तरह केजरीवाल सभा में पहुंचता हजारों की संख्या में लोकोए एमनु भव्य स्वागत कर्यु हतु। केजरीवाले खेडूतो माटे महत्वनी जाहरात करी हती, जेमा मुख्य दिवसना 12 कलाक वीजळी, नर्मदानुं पाणी, 2 लाखना कर्ज माफ, टेकाना भावे 5 लोकोनी MSPના ધોરણે ખરીદી, પાક નિષ્ફળ જવાથી પ્રતિ એકર 20,000 વળતર, ગુજરાતમાં થયેલ જમીન સર્વે રદ કરી ફરીથી ખેડૂતોને સાથે રાખી રી સર્વે કરાશે। આ તમામ ખેડૂતલક્ષી જાહેરાત કરતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી હતી। ઈસુદાન ગઢવી 5 ગેરંટી પૈકી 2 લાખના કર્જ માફીની જાહેરાત કરતા ખેડૂતોએ આ નિર્ણયને આવકાર્યો હતો। દ્વારકાથી વિધાનસભા 2022નું બ્યુગલ ફૂક્યું હતું, ત્યારે ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું છે। આ જનસભામાં વિશાળ જનમેદની ઉમટતા ભાજપ માટે ચિંતાનો વિષય ઊભો થયો છે। 25,000થી વધુ જનમેદની ઉમટી પડતા ભાજપના ગઢમાં સન્નાટો વ્યાપ્યો હતો। ગુજરાતમાં જે રીતે આપ દ્વારા પ્રચાર પ્રસાર તેજ કરાયો છે, તે જોતા ભાજપ માટે આગામી વિધાનસભામાં મજબૂતાઈથી લડત આપશે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। હવે કોઈ ઉસકી ચિંતા મત કીજીએ, બડી ટેકનિકલ વાત હે। जैसा मैंने कहा कि अगर मैं गुजरात के हर व्यक्ति को ईमानदारी के साथ बोलता हूँ कि मैं आपके बच्चों को अच्छे स्कूल बना के दूंगा, दिल्ली में किया मैंने, 18 लाख बच्चे को भविष्य बना दिया, गरीब रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा अब IIT में जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं वोट देंगे फिर हमें? हम आपके लिए, आपके भविष्य की, आपके परिवार के भविष्य की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग वोट देंगे फिर क्यों नहीं देंगे? फिर ये 9% क्या, 19% से जीतेंगे ना हम लोग? अभी भगवान के दरबार में खड़े हैं वो सब, हमारी बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। सारे हमारे लीडर्स यहाँ खड़े हैं, सब लोग अभी ऊपर वाले का आशीर्वाद लेके आए हैं। आम आदमी होगा, समय आने पर सब बताएंगे आपको। देखिए, जनता खुश नहीं है, जनता को लग रहा है कि एक तो अहंकार बहुत हो गया उन लोगों में 27 साल के शासन के बाद, दूसरा जनता की सुनवाई कहीं नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जनता की बातें कहीं नहीं, सबसे महंगी बिजली यहाँ पे है, स्कूलों का बुरा हाल है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं बच्चों को, सारे सरकारी कर्मचारी दुखी हैं। अब सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे होमगार्ड हैं, चाहे ग्राम रक्षक जो भी हैं, वो सारे हमारी तरफ क्यों खींचे आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें हमारे में उम्मीद नज़र आ रही है, उनमें उम्मीद ख़त्म हो चुकी है उन लोगों को, तो हमारे में अगर उम्मीद नज़र आ रही है वो उसका, दिल्ली के अंदर ये तीसरा चुनाव जीते, ये तीसरा चुनाव इतने भारी बहुमत से जीते। DG उपाध्याय, लाइव गुजरात न्यूज़, द्वारका।